नमस्कार, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वर्षा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रायपुर से मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां प्रियंका गांधी का आज छत्तीसगढ़ दौरा है। महिला समृद्धि सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होंगी। भिलाई के जयंती स्टेडियम में महिला सम्मेलन आयोजित होगा। सरकार की योजनाओं से लाभान्वित होने वाली महिलाएं शामिल होंगी। सम्मेलन के दौरान महिलाओं को बड़ी सौगातें मिल सकती हैं। महिलाओं को साधने में जुटी कांग्रेस, तो वहीं सुबह 9 बजे रायपुर पहुंचेंगी प्रियंका गांधी। एयरपोर्ट में सीएम बघेल समेत कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का स्वागत करेंगे। एयरपोर्ट से प्रियंका नवा रायपुर स्थित एक निजी होटल जाएंगी। वहां कुछ देर रुकने के बाद भिलाई जाकर जयंती स्टेडियम में आयोजित महिला समृद्धि कार्यक्रम में शामिल होंगी। तो आज प्रियंका गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा है। आपको बता दें कि सुबह 9 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद आगे के कार्यक्रमों में शामिल होंगी। तो आज आधी आबादी को साधने के लिए प्रियंका गांधी पहुंच रही हैं और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मंच से कोई बड़ी घोषणा भी महिलाओं के लिए हो सकती है। अब देखना होगा कि क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें प्रियंका गांधी महिलाओं के लिए कहेंगी, क्योंकि बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। आधी आबादी को साधने की यहां से कोशिश है। नवा रायपुर में कार्यक्रम में शामिल होंगी। तो एयरपोर्ट पर सीएम भूपेश बघेल प्रियंका गांधी का स्वागत करेंगे। भिलाई के जयंती स्टेडियम में महिला सम्मेलन होगा और यहां से अब देखना होगा कि महिलाओं के लिए क्या कुछ बड़ी बातें प्रियंका गांधी कहेंगी और क्या बड़ी सौगातें दे सकती हैं आने वाले घोषणा पत्र में। विधानसभा चुनाव में महिलाओं के लिए क्या बड़े वादे कांग्रेस यहां से कर सकती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हेमंत शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हेमंत, आज प्रियंका गांधी पहुंच रही है आधी आबादी को साधने के लिए, कितने बजे ये कार्यक्रम की शुरुआत होगी, एयरपोर्ट कब पहुंचेंगी? देखिए, कांग्रेस की जो राष्ट्रीय महासचिव है प्रियंका गांधी, वो 9 बजे यानी आधे घंटे बाद रायपुर पहुंचेंगी और रायपुर पहुंचने के बाद एक नवा रायपुर स्थित एक निजी होटल है वहां पर वो जाएंगी। कुछ देर वहां पर स्टे उनका होगा और उसके बाद सीधे, क्योंकि रायपुर में काफी बारिश हो रही है तो ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि बाय रोड ही वो भिलाई के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उनके साथ रवाना होंगे और भिलाई के जयंती स्टेडियम में महिला समृद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया है कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस सरकार के द्वारा। उसमें वो शिरकत करेंगे और बड़ी संख्या में महिलाएं उस सम्मेलन में पहुंचेंगी। हालांकि कल रात से लगातार बारिश छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में हो रही है, रायपुर भिलाई में भी बारिश हो रही है, तो अव्यवस्था वहां पर कुछ हो सकती है। हालांकि तैयारी उस हिसाब से भी पहले से कर रखी थी सरकार ने और उम्मीद जताई जा रही है कांग्रेस के द्वारा कि बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं प्रदेश भर की, वो वहां पर पहुंचेंगी और एक तरीके से जो सौगात है वो वहां पर प्रियंका गांधी मंच से देते नजर आएंगी। इसके अलावा जो अलग अलग योजनाओं के माध्यम से महिलाएं लाभान्वित हुई हैं, ऐसे महिलाओं को सम्मान भी प्रियंका गांधी के द्वारा किया जाएगा और ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार स्ट्रेटजी कांग्रेस ने बदली है। छत्तीसगढ़ में युवाओं और खासतौर पर महिलाओं को फोकस कांग्रेस कर रही है। याद होगा जगदलपुर में भी एक सभा का आयोजन हुआ था महिला सम्मेलन का, उसमें भी प्रियंका गांधी शामिल हुई थी। ये स्ट्रेटजी कांग्रेस अपना रही है और इसी स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ रही है और उसी के अनुरूप ये भिलाई के जयंती स्टेडियम में कार्यक्रम हो रहा है। बिल्कुल, बने रहिएगा हेमंत।